अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण कैसे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिर्नाम क्या सुन रहे हो हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषं दोत्तमोनुदो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरो न परः और श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ऐसा अनुभव हो रहा है, आशा है और विश्वास है कि आपको भी वैसा ही अनुभव होता होगा कि हम इस वक्त दिल्ली में नहीं आए। हाँ कि दिल्ली में आप दिल्ली में ही हो। ना मंगल मांगल्य से पूर्ण वातावरण, भक्ति भाव से पूर्ण, कृष्ण बलराम की कृष्ण बलराम का सानिध्य, श्री कृष्ण बलराम के चरणों का आश्रय, हरि बोल। और यहाँ का महा अभिषेक, हरि बोल। हरे कृष्ण। अभिषेक देखा आपने? किसने किसने देखा अभिषेक? कैसा लगा आपको? ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। अरे वाह, तो ये भी अभिषेक जो अंग्रेजी वाले कभी कभी कहते हैं, ये अनुभव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये अनुभव इस जगत का नहीं है। कौन से जगत का है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और एक जगत है, उस जगत का ये अनुभव है। हरी हरी। वो जगत वृंदावन भी है, या वो जगत गोलोक है, गोकुल है, या गोलोक है, उस जगत का अनुभव दर्शन, ऐसा दर्शन ये दिल्ली का दर्शन नहीं है। हरी हरी, भूल जाओ दिल्ली को। और ये अभिषेक भी उसी समय हुआ, या तो कभी कभी होता है, या साल भर में एक बार विशेष अभिषेक। वृंदावन में तो हर रोज प्रतिदिन
पर ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि ऐसा अभिषेक होता है। और हम लोग कुछ प्रयास तो हुआ ऐसा वृंदावन में, गोकुल में, नंद ग्राम में जैसा अभिषेक होता है वैसा तो हम लोग यहाँ कर नहीं पाते। ऐसा आयोजन जो भी किया वो भी विशेष रहा। कितनी सारी वैसे अभिषेक मतलब स्नान को भी कहते टेक बैथ, अपने शावर में स्नान घर में हम लोग स्नान करते हैं। बस थोड़ा तेल, थोड़ा साबुन, फिनिश्ड, बाद में थोड़ा पाउडर फेंक दिया, फिनिश्ड। भगवान का देखा कैसे कैसे अभिषेक हो रहा, कितने विविध व्यंजनों से जल भी साधारण नहीं था, ये दूध से अभिषेक, दही से अभिषेक, शहद से अभिषेक, पुष्पों से अभिषेक, अलग अलग फलों के रसों से अभिषेक। हरी हरी संसार में जो भी है श्री कृष्ण बलराम के चरणों में अर्पित हम कर रहे थे। तो यही समय है, व्हाट इज द टाइम, 7:30 थोड़ा, लेकिन जब अभिषेक हो रहा था ना वो समय, वैसे वृंदावन में भी अभिषेक का हर दिन कृष्ण बलराम वन से लौटते हैं, केसी घाट बंसी पट द्वादश कानन जहां सब लीला कैला श्री नंद नंदन। कभी किस वन में, कभी मधुबन में, कभी ताल बन में, कभी कुमुद बन में, कभी बहुला बन में, कभी वृंदावन में, तो कभी काम बन में, कभी खादिर बन में, ये 7 बन हो गए और बन है। कभी भद्र बन में, कभी भांडीर बन में, कभी बेल बन में, कभी लोह बन में, तो कभी महाबन में। आपने गिन लिए, 12 हो गए, द्वादश कानन हो गए। ऐसे 12 बनों में भगवान कृष्ण बलराम की गोचारण लीला खेलते हैं दिन भर में, और सायंकाल को लौटते हैं नंदग्राम की ओर। जब लौटते हैं उस समय को कहते हैं गोधूली बेला। बेला मतलब समय, कैसी बेला, कैसा समय, आपने क्या सुना, गो धूली, गाय जब चलती है लौट रही है, इतनी सारी गायें हैं, कितनी गायें चराते हैं कृष्णा, 9,00,000 गाय, तो 9,00,000 गायें जब चलती है, ब्रज की रज बड़ी हल्की फुल्की होती है, गाय जब चलती है तो सारे धूल उड़ जाती है, धूल के बादल बन जाते हैं, तो गोधूली बेला कहते हैं। हरी 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 गौर हरी बोल। तो कृष्ण पीछे मुरली बजाते हुए बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वै जयंती चमाला। कृष्ण पीछे से जा रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप देखना चाहते हो, सुनेंगे तो उसे उस दृश्य को हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं। तो बरहा पीडम नटवर वपु, कृष्ण कैसे है, नटवर,
चाल जब चलते भी है तो कैसी चाल चलते, मानो नट चल रहा है, कोई एक्टर चल रहा है। बरहा पीडम, मोर मुकुट पहने होते हैं। बिभ्रत भाषा कनक कपिशम, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। वही जयंती चमाला, जिस माला को पहनते हैं, कई प्रकार की मालाएं पहनते हैं अलग अलग समय, तो उसमें एक माला का नाम है वही जयंती माला। जब पांच अलग अलग रंगों के पुष्पों की माला जब कृष्ण पहनते हैं और घुटनों तक पहुंच जाती है, इसको वैजयंती माला कहते हैं। वेणो रंध्रा अधर सुधया, और जब वेणु की नाद, वेणो रंध्रा गोप वृंदई, अपने मित्रों से घिरे होते हैं कृष्ण, गाए जा रही है। उस समय आकाश में देवता एकत्रित होते हैं ये दृश्य को देखने के लिए, और ये देवता भी कृष्ण बलराम की स्तुति का गान करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस स्तुन्वंती दिव्यै स्तवै, देवता तरसते हैं भगवान के दर्शन के लिए, देवता भी बड़े उत्कंठित होते हैं। देवापि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, देवता तरसते हैं, बड़े लालायित होते, कब होगा दर्शन हमें कृष्ण बलराम का, कब दर्शन होगा। तो कृष्ण लौट रहे हैं नंदग्राम की ओर, तो आकाश में देवता एकत्रित होते हैं और कृष्ण बीच बीच में मुरली बजाते हुए क्या करते हैं, बाय बाय। तो मित्रों को लाया, वो बन क्या है, तो कृष्ण तो देखते हैं देवता आए हैं, सी यू लेटर, थैंक यू, पुनः मिला महा। तो हुआ हरी हरी। तो तब तक नंदग्राम में यशोदा मैया की, नंद बाबा की, नंद बाबा और यशोदा कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा में होते। कब आएगा कृष्ण, बलराम क्यों नहीं पहुंचा, कब पहुंचेगा। देखिए कब पहुंचेगा कहते ही श्री कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम पहुंच गए। सुस्वागतम कृष्ण बलराम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, करिए स्वागत कीजिए, स्वागतम बलराम, स्वागतम बलराम, आइए चलो बैठे रहिए और गाइए बैठ गए। ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। तो नंदग्राम में कृष्ण बलराम का स्वागत होता है। यशोदा नंद बाबा, उसके पहले गोपियां भी, कृष्ण बलराम का दर्शन करती है, स्वागत करती है। तो नंद भवन में पहुंचने के उपरांत हरी हरी, बैठे रहिए बैठे रहिए, बी सीटेड नाउ, नाउ दिस इज द टाइम टू, चलो बैठिए सब लोग, माता ऐसे ही बैठिए अपने स्थान पर।
हरी बोल बैठिए सही। दर्शन बाद में, दर्शन हो रहा है वैसे, कथा ही दर्शन है। कथा सुने बिना दर्शन संभव नहीं है। तो फिर अभिषेक की तैयारी होती है। कृष्ण बलराम के अभिषेक, दिन भर गायों के पीछे कृष्ण बलराम गाय चराते, सारी धूल उनके वस्त्रों पर, मुख पर, मुकुट पर, और तो फिर महा महा अभिषेक कृष्ण बलराम का प्रतिदिन होता है। आज भी हो गया। जब हम यहाँ कर रहे थे अभिषेक, उसी समय वृंदावन में अभिषेक हो रहा था। आपने क्या सोचा, क्या समझते हो आप? ये सब हो रहा है भगवत धाम में। भगवान की लीला संपन्न हो रही है एवरी डे। ऐसे अष्टकालीय लीला। हरी हरी बैठे रहिए। बड़ा अपन कोई क्राउड कंट्रोलर जहाँ भी हो बैठे ही अभी दर्शन कर। या हरे कृष्ण। तो हमको भी, हम सभी को, हम कृष्ण बलराम के ही भक्त है, या हम कृष्ण बलराम के हैं, हम भगवान के हैं। आप हो कि नहीं भगवान के? कौन कौन है भगवान का यहाँ? वैसे आप कहते तो हो, हाँ में हाँ तो मिलाते ही रहते हैं, लेकिन इसको समझना है कि हम कौन है, हम किसके है, वो कौन है भगवान, और क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ। तो ये जब समझेंगे, ऐसा हम लोग भगवान की आराधना भी करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, तो क्या होगा, हमें धीरे धीरे साक्षात्कार होगा कि ये भगवान का विग्रह, भगवान का रूप है। ये विग्रह आराधना स्पेशली जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान के विग्रह की आराधना करने से हमारे जो देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि, ये देह ही मैं हूँ, जो हम ऐसी जो हमारी गलत भ्रांत कल्पना हो चुकी है, उसे हम मुक्त होंगे धीरे धीरे। हमारी जो पकड़ है ये हमारे शरीर पर, ये मैं शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, धीरे धीरे हम लोग देहात्म बुद्धि से मुक्त होते जाएंगे। जैसे जैसे हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो ऐसे कृष्ण बलराम की, भगवान की हमें शरण में आना है। एक समय ब्रह्मा, अरे कई सारी लीलाएं हैं कृष्ण बलराम की, इसलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन या श्रवण हमें करना चाहिए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ है, इस्कान, इस्कान पंजाबी बाग पास में ही है, वहाँ भी कृष्ण बलराम है। और हमारे इस्कान के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, उन्होंने जो वृंदावन में मंदिर की स्थापना की 1975 की बात है, मैं भी था वहाँ। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम की स्थापना किए रमन रेती में, जहाँ कृष्ण बलराम गोचारण लीला खेलते हैं, जिस रमन रेती में, वहीं पर श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम को प्रकट किया। तो कृष्ण बलराम की स्थापना भी हुई और एक गाय और बछड़ा भी, वहाँ की भी स्थापना हुई। तो कृष्ण बलराम हरी हरी, ये तो ब्रह्मा जब वृंदावन में आए थे और आके उन्होंने हरी हरी, अच्छा है अगर आप कृष्ण बलराम की ओर देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सुनते रहिए। तो वे ब्रह्मा, उन्होंने कृष्ण बलराम के मित्रों को और बछड़ों की चोरी की, ब्रह्मा बन गए चोर। ब्रह्मा ने भगवान के मित्रों की चोरी की, बछड़ों की चोरी की। एक समय कृष्ण जब छोटे थे हरि बोल, तो वे बछड़ों की रखवाली करते थे वे, तो केवल कृष्ण ही बच गए। उस दिन से बलराम नहीं आए थे, तो कृष्ण सोचने लगे कि अभी तो हुआ सायंकाल हुई, गोधूली बेला तो हो चुकी है, अभी लौटना तो चाहिए मुझे, लेकिन मैं अकेला कैसे लौट सकता हूं। तो कृष्ण स्वयं बन गए, जितने बछड़े थे कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए। कृष्ण स्वयं अपने मित्र बने, मित्र के रूप धारण किए और एक साल भर के लिए वृंदावन के सारे बछड़े स्वयं भगवान थे और वृंदावन के सारे ग्वाल बाल कौन थे, कौन थे, कृष्ण ही थे। आपने सुना नहीं कैसे है? तो हुआ ये चोरी किया, वो अच्छा तो नहीं किया, चोरी करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक दृष्टि से वो वरदान हो गया सारे ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए। जानते हो क्यों? कि वृंदावन की सारी जो माताएं हैं, द बुजुर्ग लेडीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली लेडीज, वो सोचती थी कि क्या हमें भी कृष्ण जैसा पुत्र कभी प्राप्त होगा। सारी माताएं सोचती थी क्या कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त होगा। यहां तक कि गौशाला में गाय सोचती थी क्या कृष्ण कभी गौशाला में आके
हमारा दूध स्वयं दूध पिएगा अपने हमारे थनों से। अभी तो दूध का दोहन होता है, बाद में वो चूल्हे पर उसको उबाला जाता है, फिर यशोदा पिलाती है एक प्याले में। लेकिन कभी कन्हैया हमारे गौशाला में आके हमारा दूध सीधे दूध कभी पिएगा, कब पिएगा? ऐसा गायों का भी भगवान के प्रति वात्सल्य है। वात्सल्य मानो भगवान को या अपना अपत्य या अपना वत्स समझती है गाय। अब वृंदावन की सारी युवतियां भी सोच रही थी, क्या कृष्ण जैसा पति हमको मिल सकता है? पति हो तो कृष्ण जैसा। तो हुआ क्या, जब एक साल भर के लिए ओरिजिनल जो बछड़े थे, ओरिजिनल जो मूल मित्र थे, वे तो चोरी करके ब्रह्मा ने रखे थे, तो वृंदावन के सारे ग्वाल बाल कृष्ण थे। तो सभी घरों में जो बच्चे थे, बालक थे, वो कौन थे? कृष्ण थे। तो सारे बुजुर्ग माताओं को कृष्ण प्राप्त हुए पुत्र रूप में। और हर गौशाला के गाय का दूध का जो दूध पीने वाले बछड़े कौन थे? वे भी कृष्ण थे। और घोषणा भी हुई, जिन माता पिता की पुत्रिया अब विवाह योग्य बन चुकी है, उनका विवाह कीजिए, अच्छा मुहूर्त है। तो सभी माता पिताओं ने अपने अपने पुत्रियों का विवाह किया। किनके साथ विवाह हुआ? कृष्ण के साथ, क्योंकि सभी बालक कौन थे? कृष्ण थे। इस प्रकार माताओं को कृष्ण मिले, गायों को बछड़े मिले, वे भी कृष्ण थे, और सारे युवतियों को कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। हरि बोल। तो सभी की वांछा को भगवान ने पूरा किया। तो ब्रह्मा ने तो चोरी की, लेकिन ये वरदान हुआ सभी ब्रजवासियों के लिए। तो कृष्ण के मित्रों को और बछड़ों को छिपा के जब ब्रह्मा जी लौटते हैं, तो देखते हैं कि वृंदावन में तो वो सोच रहे थे कि अकेला कृष्ण ही होगा, और शायद तो ढूंढता होगा, वेयर आर माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों को किसने देखा है, अरे बछड़े कहाँ है हमारे, ऐसा खोजता होगा। आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड्स, शायद अखबार में एडवर्टाइजमेंट देता होगा या, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वृंदावन में कृष्ण बलराम की गोचारण लीला इत्यादि सभी लीला ठीक ठाक से यथावत संपन्न हो रही थी। तो ब्रह्मा को आश्चर्य लगा, अरे क्या मैं देख रहा हूँ, जिनको मैंने छिपाया था शायद वे तो यहाँ नहीं पहुंचे। फिर दोबारा जाके ब्रह्मा देखते हैं, तो जिनको छिपाया था तो वो तो वहां थे ही, और साथ ही साथ सारे ग्वाल बाल है, बछड़े है। तो इस समय सुनिए सुनिए, देखिए क्या होता है, इस दृश्य को देखिए। तो ब्रह्मा जब देख रहे थे, तो ब्रह्मा ने देखा कि हर जो बछड़ा है वो भगवान है। जितने बछड़े थे उस समय सारे भगवान के रूप धारण, भगवान बने, भगवान का रूप धारण किए, भगवान जैसा। और सारे मित्र थे, वे सारे वही भगवान, उनकी आराधना हो रही है सारे रूपों की, सारे विग्रह की। तो ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा वैसे भ्रम से मुक्त हुए, ये जब दृश्य देखा तो भगवान का वैभव का अनुभव किया ब्रह्मा ने।
और अपने, क्योंकि जब आए थे अघासुर की लीला के उपरांत सभी देवता आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, और देवता तो अपने अपने लोक लौटे स्वर्ग लोक, लेकिन ब्रह्मा थोड़े वहाँ रुके रहे। तो उस समय यमुना के तट पर वन भोजन हो रहा था, कृष्ण मध्य में थे और सारे ग्वाल बाल बैठे हैं और एक दूसरों को भोजन खिला रहे हैं। कृष्ण कभी कभी दूसरे के लंच पैकेट का भोजन खाते हैं, कोई दूसरा मित्र है ऐसा मधुमंगल जैसा, मधुमंगल जिनको मिष्टान्न बड़ा पसंद होता है, तो कभी वो मधुमंगल आधा लड्डू स्वयं खाते हैं और आधा लड्डू है कृष्णा आ करो, तो कृष्णा आ करते तो मधुमंगल जो आधा बचा हुआ झूठा लड्डू कृष्ण खाते हैं उसको। तो ये जो दृश्य देखा कृष्ण और उनके सारे जो ग्वाल बाल जो मित्र है, ये वृंदावन में जो भगवान का अपने मित्रों के साथ जो इतना घनिष्ठ संबंध है, मित्र कहे तुम कौन बड़ा लोग, तुम ही अमीसम, तुम कौन बड़ा, हम तुम एक जैसे हैं। कभी कभी खेल खेलते हैं तो दो पक्ष बन जाते हैं, एक बलराम पार्टी एक कृष्ण पार्टी, कभी कभी बलराम पार्टी कृष्ण पार्टी को पक्ष को पराजित करती है, तो क्या करना होता है फिर कृष्ण पक्ष को, कृष्ण को भी इंक्लूडिंग कृष्ण, उनको मित्रों को अपने कंधे पर ढोना होता है। तो कोई मित्र बैठता है कृष्ण के कंधे पर, कृष्ण को घोड़ा बनाता है, और घोड़ा अगर तेजी से नहीं जा रहा है तो मित्र अपनी लात से है घोड़े दौड़ो। तो इस प्रकार का ये विश्रम्भ सख्य कहते हैं, जैसे भगवान का अर्जुन के साथ भी सख्य भाव है, सखा भाव है, लेकिन वृंदावन में जो सख्य भाव है ये तो बड़ा अद्भुत है, अचिंत्य है, इतना घनिष्ठ संबंध। भगवान मैत्री तो अमंगस्ट इक्वल्स, जो समकक्ष होते हैं उनके मध्य में मैत्री होती है, तो ऐसा अनुभव ब्रह्मा ने जब सब दृश्य देखा तो उनको ए ये कृष्ण, ये थोड़े ही कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक थोड़े हो सकता है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, मेरी अध्यक्षता के अनुसार सारा संसार चलता है, तो ये सारे संसार को चलाने वाले ये तो नहीं हो सकता, ये देखो ये सच ऑर्डिनरी। तो भगवान इतने साधारण बनते हैं और साधारण बन के अपने मित्रों के साथ सख्य भाव, और कुछ जीवों को अपना माता पिता बनाते, कुछ जीवों को अपना माता पिता भगवान का माता पिता बनने का भाग्य, यशोदा च महाभागा, जिनके गोद में कृष्ण लेटते हैं उनके स्तन यशोदा का स्तन पान भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान करते हैं, ये जो वात्सल्य है इसमें कृष्ण इतना आनंद लूटते हैं वृंदावन के सख्य भाव में, वृंदावन के वात्सल्य भाव में, और फिर वृंदावन के माधुर्य भाव का तो कहना ही क्या। राधा के साथ गोपियों के साथ भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो माधुर्य या वो रस, तो नहीं मैं ब्रह्मा ने वो दृश्य देखा जब भोजन हो रहा था यमुना के तट पर, तो उन्होंने सो ये तो भगवान नहीं हो सकते, और मैं देखता हूँ अभी ये भगवान है कि नहीं, तो एक प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान और मित्र भोजन कर रहे थे,
बछड़ों को बांध दिया था बगल में, ये बछड़े चर रहे थे, तो भोजन के मध्य में मित्रों ने देखा, ए हमारे बछड़े कहाँ है? तो सारे मित्र चिंतित थे, बछड़े नहीं दिख रहे, अरे बछड़े हमारे बछड़े नहीं है, सारे मित्र कह रहे थे। तो फिर कृष्ण कहे, आप लोग भोजन करते रहो, मैं देख के आता हूँ, मैं खोजता हूँ। तो कृष्ण जब बछड़ों को खोजने के लिए गए तो सर्वत्र खोजे, यमुना के तट पर, इस वन में, उस वन में, गोवर्धन के तलहटी में, गोवर्धन के शिखर पर, सर्वत्र कहीं भी नहीं मिले बछड़े। तो वो लौट गए, अभी रिपोर्टिंग हुआ कि बछड़े नहीं मिले, लेकिन जहाँ भोजन कर रहे थे सारे मित्र, वहां पहुंचे जब कृष्ण, आए मित्र भी नहीं थे। और ये करतूत थी किसकी? ब्रह्मा की। पहले उन्होंने बछड़ों की चोरी की, और कृष्ण जब बछड़ों को खोजने के लिए गए, इतने में ब्रह्मा ने मित्रों की भी चोरी की। तो फिर अब होगा क्या? तब कृष्ण स्वयं बन गए, सारे बछड़े और सारे मित्र स्वयं भगवान बन गए। और हमारे आचार्य ऐसे, अब सब तो नहीं कह सकते, ठीक है हम लोग। तो ब्रह्मा ने देखा कि सारे मित्र भगवान बने हैं, सारे बछड़े भगवान बने हैं, तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है। भगवान ने अपना पुनः वैभव दिखा के ब्रह्मा को मोहित किया, और फिर अंत तो गत्वा जब ये वैभव देखा तो समझ गया, हाँ ये कृष्ण है, यही तो है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा को समझ में आया, ये जो बालक, मैं इसको साधारण बालक समझता था, वन अमंग्स द अदर फ्रेंड, ये और जैसे मित्र, ये भी और एक मित्र है, लेकिन नहीं नहीं, ईश्वर परमः कृष्ण, ये सच्चिदानंद विग्रह अनादि, ये सभी का आदि है, इसका कोई आदि नहीं है। ये कृष्ण बलराम सभी के आदि है, इनका कोई आदि नहीं है, ऐसे है कृष्ण बलराम। तो फिर ब्रह्मा हंस पर जो बैठे थे वहां से धड़ाम करके गिर जाते हैं कृष्ण बलराम के चरणों में, और विशेष स्तुति करते हैं, कृष्ण की स्तुति। वहां बलराम नहीं थे उस दिन भी, तो वह तो जो स्तुति किए हैं ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 14वां जो अध्याय है उसमें आप पढ़िएगा। हम तो 7 दिवसीय कथा है या नित्यम भागवत सेवया है, तो फिर सारा विस्तार से सुनाया जा सकता है, जिसका हमको सुनना चाहिए। कोई मस्ट हियर, भगवान के संबंध में सुनना चाहिए लीला कथा। तो ब्रह्मा ने एक बात कही, तो कई बातें कही, उसमें से एक बात मैं आपको सुनाना चाहता था, संक्षिप्त में कभी सुनाऊंगा, क्योंकि इसका भूमिका बनाते बनाते ही समय बीत तो गया, और आप लोग तो व्यस्त रहते ही हो, राइट? मरने के लिए समय नहीं है, इतने व्यस्त, लेकिन आज तो आप लोग फ्री हो, हाँ? आज की शाम किसके नाम? कृष्ण बलराम के नाम। आज की शाम, आज की शाम, आज की शाम श्री कृष्ण बलराम की। तो वह
तो ब्रह्मा कहे समाश्रिता ए पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवां बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदाम नतीशाम। तो क्या कहा ब्रह्मा ने, अच्छा होता जब सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रार्थना कही राजा परीक्षित को सुनाई, तो इतना सुन लिया तो समझ गए, वो श्लोक सुन लिए तो हो गए समझ गए, नेक्स्ट श्लोक देन नेक्स्ट फिर उस आगे का उसका आगे का। लेकिन हम तो हमें तो बारंबार सुनना पड़ता है या तो समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम ब्रह्मा ने कहा, जो भी कृष्ण बलराम के चरण कमलों का आश्रय लेगा, हरि बोल किसका आश्रय, मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण बलराम का जो आश्रय लेगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि कृष्ण बलराम के चरण कमल एक प्लवम, ये एक नौका है। कृष्ण बलराम के चरण कमल कैसे है, नौका के बराबर है, नौका सदृश है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, तो वो पदम भगवान के चरण कमलों का क्या कहना, एक तो चरण कमल ही है, बड़े कोमल भी है, में लालिमा भी है, उनके तलवे में कई सारे अलग अलग चिन्ह भी है। तो महत पदम का भगवान के चरण कैसे महत पदम, और वो सच्चिदानंद है। भूल जाओ भवाम बुधि वत्स पदम, तो होगा क्या देखिए, हम जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो भगवान के चरण कमल हमारे लिए नौका बन जाएंगे, हमारे लिए भगवान के चरण कमल एक नौका द बोट। तो फिर क्या होगा, ये जो भवाम बुद्धि जो है, ये भवसागर जो है, भवसागर दिल्ली और फिर सारा संसार का जो सागर है, ये सारा विशाल सागर ब्रह्मांड जो है वत्स पदम, बहुत छोटा बन जाएगा। ये सारा सागर कितना बड़ा होगा या कितना छोटा, वत्स पदम, वत्स मतलब बछड़ा, सुन ही रहे हो आप, तो बछड़े का या मान लो वर्षा के दिन है और बछड़े चल रहे हैं, गाय भी चल रही है, बछड़ा भी चल रहा है पीछे, तो बछड़ा जब चलता है तो उसके खुर का जो चिन्ह होता है, और वर्षा के दिन होने से झट से ही क्या होता है, खुर से जो गड्ढा छोटा सा बन गया वो भर जाता है, उसमें पानी भर जाता है। तो ब्रह्मा कह रहे सारा जो विशाल सागर है भव सागर, कितना छोटा हो गया, वत्स पदम, ये किनके लिए, जिन्होंने कृष्ण बलराम के चरणों का आश्रय लिया है, उनके चरणों का आश्रय लेते ही वो चरण कमल हो गए आपके लिए हमारे लिए नौका बन गए, और भवसागर से हम तर गए, हमारे वो भवसागर बन गया वत्स पदम। तो इतना छोटा होगा कि वो बोट के लिए पार कर लिया, बोट के लिए इतना जल भी नहीं है जिसमें बोट को रखा जा सकता, इतना छोटा ये सारा संसार होगा, संसार को पार करना बाएं हाथ का खेल या अनायास ही हम इस संसार को पार करेंगे। जो संसार कैसा है, पदम पदम यद विपदाम नतेषाम,
जिस संसार में पदम पदम विपदा, पग पग पर इस संसार में विपदा है, संकट है, कष्ट है, विघ्न है, पदम पदम यद विपदा, जिस संसार में है उस संसार को हम पार करेंगे और भगवत भगवत धाम लौटेंगे, कृष्ण बलराम के पास पहुंचेंगे। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंधुरे, तो ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ, इसका लाभ उसको प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है। इसी दुर्लभ मनुष्य जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, जन्म सत्संगे, सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। तो फिर होगा क्या, तरह ये भव सिंधुरे, इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। तो ये जो हम कह चुके हैं आप जानते होंगे, ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस नाम की एक सोसाइटी या संघ है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, विश्व भर में ये सत्संग उपलब्ध करा रहा है, आपके कॉलोनी में भी, आपके पड़ोस में। ये कृष्ण बलराम ऐसे यही रहते हैं, आपके कॉलोनी में रहते हैं, हमारे विजय गोविंद प्रभु के घर में भगवान रहते हैं। इनका घर हो गया, साधारण घर नहीं रहा, मंदिर हो गया, और यहाँ कई सारे सत्संग होते हैं, भक्ति वृक्ष चलते हैं, और क्या क्या, हर सोमवार को 4 से 6 कथा होती है भागवत की, भक्ति वृक्ष चलते हैं। आप बता दो वैसे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ आप सभी, और इस्कान का मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाबी बाग, कृष्ण बलराम मंदिर की, और वैसे सत्संग भक्ति वृक्ष इत्यादि कार्यक्रम तो चलते हैं, नामाश्रय कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, भक्ति विनोद सभा कार्यक्रम, नाम हाट चलते हैं युवकों के लिए, इस्कॉन यूथ फोरम नाम का फोरम, युवक उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चों के लिए संडे स्कूल चलते हैं, हर उम्र के हर क्षेत्र के व्यक्तियों को सत्संग प्रदान करने हैं। तो वैसे NCR में इस्कॉन के 15-20 बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, ओपनिंग हो चुका है, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ के लिए भूमि अभी अभी प्राप्त की हुई है, तो कई सारे। तो इस राजधानी को धर्मधानी बनाने का संकल्प इस हरे कृष्ण आंदोलन का है, राम राज हो, कृष्ण बलराम का राज होना चाहिए, फिर उस राज में हम सुखी होंगे। लेकिन देखा तो जाता है कि रावण राज, यहाँ सारा भोग विलास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक व्यवस्था हो, ये बजट वो बजट सभी के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कुछ बजट बना दिया, आत्मा के लिए कुछ है, हर एक को कुछ, स्त्रियों के लिए, किसानों के लिए, इसके लिए ये, उसके लिए ये, हाईटेक सिटी के लिए ये उड़ान उड़े भारत के सभी नागरिक, ऐसा भी कुछ
ये सब तो हो रहा है, लेकिन आत्मा के लिए क्या व्यवस्था है? आत्मा का ख्याल के लिए, आत्मा की भी तो नीड है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है। आत्मा के लिए क्या है, कौन सा बजट है, क्या व्यवस्था है? तो जैसे पिंजड़े में होता है तोता, तो तोता अधिक महत्वपूर्ण है कि पिंजड़ा? हाँ, जवाब तो इतना सरल है, प्रश्न पूछना भी नहीं, कोई बता सकता है। तोता, वेरी गुड 100%। तो पिंजड़ा इंपॉर्टेंट है कि तोता? उत्तर है तोता। तो ये जो शरीर है इसमें तो मैंने कह ही दिया, तो शरीर है पिंजड़ा और आत्मा है तोता। तो इस संसार में माताजी घर में कुछ हर संडे को होता है, ये बता देना, अनाउंस करना। तो हुआ, तो अगर कोई केवल पिंजड़े की सजावट या पेंटिंग डेंटिंग डेकोरेशन करता जाएगा और तोते की ओर ध्यान नहीं देगा, तोते को अमरूद अच्छे लगते हैं और फल अच्छे लगते हैं, तोते को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, लेकिन बाहर के पिंजरे की तो इतनी सारी व्यवस्था, तो क्या होगा? धीरे धीरे तोते का क्या होगा? तो मर सकता है। तो वैसे ही हो रहा है, शरीर के लिए क्या 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 तैयारियां हो रही है, शरीर की सजावट के लिए, शरीर के श्रृंगार के लिए, लेकिन आत्मा के लिए, तो आत्मा के लिए है कृष्ण बलराम। आत्मा के लिए कृष्ण बलराम का दर्शन, आत्मा के लिए है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा के लिए खुराक, आत्मा के लिए खाद्य पेय है भगवान का नाम, ये भगवान की कथा, ये आत्मा आत्मा को हृष्ट पुष्ट बनाएगी, भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद। उसे भी शरीर भी हृष्ट पुष्ट होगा और साथ ही आत्मा का प्रसाद जो है, ये आत्मा का खुराक है। आत्मा तृप्त होता है प्रसाद ग्रहण करने से। हम लोग महात्मा बनेंगे प्रसाद ग्रहण करके। हरे कृष्णा। तो ये संसार सब कुछ नहीं है, दूसरा भी एक संसार है, दूसरा एक जगत है, इसी वक्त है। परस्तस्मात् भावो अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन। तो उस वहां के हम सभी जीव, वहां के हम, हमसे बड़ी भारी भूल हुई, हम इस संसार में आए, तो वह भूल को हमें सुधारना चाहिए और पुनः भगवान की ओर लौटने की तैयारी करनी चाहिए। आप सभी को, आप पति हो या पत्नी हो या बच्चे है या पड़ोसी है या रिश्तेदार है, और सभी का जीवन का यही लक्ष्य है, क्या कहे, मित्रों या पुत्रों या माताओं बहनों भाइयों सभी जीवो, जीव जागो। तो ये रिमाइंडर ही दे सकते हैं हम भगवान की ओर से। तो वह अपना जीवन
जीवन केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है। तो बहुत कुछ है, आप लोग इस्कॉन के कई सारे ग्रंथ हैं, प्रभुपाद के भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप आपके पास है, आपके घरों में भगवत गीता यथारूप है तो हाथ ऊपर करना, अगर है तो भगवत गीता यथारूप की बात हो रही है। ओके वेरी गुड। और ऐसा कार्य करता है इस्कॉन भी, अब दिसंबर महीने में इस्कॉन ने एनसीआर प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र में 5 लाख भगवत गीता का वितरण किया। संसार को भ्रम से मुक्त करने के लिए सारे प्रयास इस्कॉन कर रहा है और संभव है। और वितरण के लिए पता है कितने लोग, 8,000 वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये 5 लाख भगवत गीता का वितरण किया। आप में से भी कौन कौन थे गीता का वितरण करने वाले, गीता के वितरक, देखिए हंड्रेड्स ऑफ देम, उनके भी हम आभारी है, धन्यवाद जिन्होंने गीता का वितरण किया। इसी के साथ धर्म की स्थापना होगी गीता के प्रचार प्रसार से। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना भी ये धर्म है, प्रसाद ग्रहण करना हमारा धर्म है, प्रसाद ग्रहण करना और लाइक दैट बहुत कुछ। स्पेशली ये जो कीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आप आए ही हो तो हम भगवान तो प्रसन्न, भगवान प्रसन्न है। आप आज किसकी ओर आए, भगवान की ओर आए, आमने सामने फेस टू फेस कृष्ण बलराम। अरे तो एक भेंट हम आपको भी देना चाहेंगे, वो भेंट है ये हरि नाम की भेंट, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महा, ये भेंट है, कृष्ण बलराम आपको भेंट दे रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट दिस वेरी स्पेशल गिफ्ट। भगवान ने अपने धाम से आते आते ये भेंट ले आए और इसका वितरण किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है और ये आंदोलन के सारे सदस्य हरि नाम का जप कीर्तन करते हैं और औरों से करवाते हैं और उनको भेंट देते हैं। तो आप स्वीकार कर रहे हैं भेंट को, कौन कौन स्वीकार कर रहा है? हम जो भेंट दे रहे हैं भगवान की ओर से, सब कहिए हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए और अपने हृदय प्रांगण में इस भेंट की स्थापना कीजिए, संभाल के रखिए इस भेंट को। और ये भेंट वैसे स्वयं भगवान ही है, ये भेंट क्या है, भगवान ही, भगवान का नाम भगवान है। तो कहिए ओके लेट्स फिनिश, हरे कृष्णा, आगे हरे कृष्णा और जोर से कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आत्मा को सुनने दो इस, हरे राम 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 हरे हरे। ओके तो आपको भेंट प्राप्त हुई है इसी नाम का, इसी भेंट का पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन कीजिए और धन्य होइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री कृष्ण बलराम की, श्री प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की,
श्रीमद भगवद गीता की गौर प्रेम आनंदे।